आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो कैसे प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के लिए ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे अप्लाई कर सकते हो, जिसमें कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताने वाला हूँ। और मैं आपको इस योजना में ये तीन तरीके से चलाई जाती है, तीन तरीके से, जिसमें कि मैं आपको एक तरीके के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि आपके पास ज़मीन है या फिर आपका घर जो बना हुआ है, यानी कि टूटा टाटा बना हुआ है, तो आप उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए कैसे ले सकते हो, मैं आपको जो है इस योजना के बारे में अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। और यदि आप चाहते हो क्रेडिट लिंक सब्सिडी एक योजना का नाम है, तो आपको जो ये फ्लैट मिल जाते हैं, जिससे कि आप सरकार को फ्लैट देते हो और आप उसमें रह सकते हो। इस योजना का मिशन है कि गाँव और शहर में और कस्बे में सभी के पास अपने घर होने चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जाती है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए लेके चलता हूँ आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन। तो हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। आपको सबसे पहले गूगल में यहाँ पे जो टाइप कर देना है PMAY MIS। जैसे ही आप ये टाइप करोगे तो प्रधानमंत्री अर्बन प्रोग्रेस ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये 3 लाइन दिख रही हैं, आपको जो इस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जो इस पे क्लिक करोगे तो आपको जो यहाँ पे सिटीजन असेसमेंट का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको जो इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको जो है ये अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन मिल जाता है। अप्लाई ऑनलाइन पे आपको यहाँ पे होल्ड करके रखना और एक कहीं भी क्लिक राइट क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने ये 4 योजना आ जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इन सेतु स्लम रीडेवलपमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप। जैसे कि मैं आपको बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन के बारे में अप्लाई करने वाला हूँ, तो आपको इसी पे जो यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको अपने आपके पास जो आधार कार्ड होना चाहिए, मैं यहाँ पे इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आधार कार्ड होना चाहिए, सबसे पहले आपको जो यहाँ पे आधार कार्ड पे जो क्लिक कर देना है। यदि आपके पास वर्चुअल आईडी है जो कि आधार कार्ड से ही मिलती है, यदि वो है तो आप वो भी डाल सकते हो, नहीं तो आधार नंबर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना जो आधार नंबर एंटर कर देना। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको अपना जो है यहाँ पे नेम डाल लेना, जो कि आधार पर है, नेम एस पर जो कि आधार पर है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंसेंट देना है, इसको रीड करने के बाद, और आपको यहाँ चेक वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके चेक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा फॉर्म हो जाता है, फॉर्मेट बी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर सर्वे। फिर आपको यहाँ पे कुछ डिटेल फिल करनी होगी, जिसपे जो स्टार बना हुआ है ये रेड कलर का, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका मतलब ये आपको मैंडेटरी है कि भरना ही भरना है इसमें। जैसे कि सबसे पहले मैं इसको जो जूम करता हूँ, तो आपको सबसे पहले इसमें स्टेट जो है अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो सारे स्टेट इसमें आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ से जूम करना, अपनी जो सिटी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, सिटी में यहाँ से जो है। फिर उसके बाद आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना, जिला जिसमें कि मेरा ऑटोमेटिक आ चुका है। आर यू प्लानिंग एरिया डेवलपमेंट एरिया, क्या आप योजना क्षेत्र विकास क्षेत्र से हैं, आपको जो है इसमें यस पर जो है क्लिक कर देना है। फिर आपको जो प्रेफर्ड कंपोनेंट मिशन अंडर विद सर्वे नीड असिस्टेंट, तो आपको जो इसमें जैसे कि बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन और एनहांसमेंट पे हम इस योजना के लिए अप्लाई करें, तो मैं इसको ही सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको जो है हेड ऑफ द फैमिली परिवार के हेड का जो है यहाँ पे आपको जो है इसमें नाम डाल देना, जैसे कि नाम ऑटोमेटिकली आ चुका है जैसे आपने फिल किया था। उसके बाद जेंडर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, मैं जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है मुखिया के पिता का नाम यहाँ पर जो है फिल करना होगा। पिता का नाम फिल करने के बाद एज ऑफ द, फिर आपको जो है मुखिया की एज डालनी होगी, जिसकी भी आप जो ये फॉर्म भरे उसकी एज आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। उसके बाद आपको इसमें जो अपना परमानेंट एड्रेस इसमें नीचे ही फिल करना होगा। सबसे पहले आपको फ्लैट डोर और मोहल्ले का या फिर गली का जहाँ पे आप रहते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड नीचे, यदि आपका ये दोनों एड्रेस सेम है, परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस जिस पे सर्वे किया जाएगा जहाँ पे आप लेना चाहते हो, यदि वो सेम है तो आपको इसमें जो टिक कर देना है ऑटोमेटिकली, जैसा कि जैसा यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद आपको जो है यहाँ पे PMA कंस्ट्रक्शन साइट, फिर आपको यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का, जहाँ पर आप जो ये 2.5 लाख रुपए लेना चाहते हो, सर्वे होगा आपका, ये सर्वे किया जाएगा जहाँ पर आपको लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्लैट डोर यहाँ पे जो है वो एड्रेस डालना होगा जहाँ पे आप लेना चाहते हो, परमानेंट सेम एड्रेस, तो आपको इस पर टिक कर देना। जैसा यदि ऊपर का और नीचे का एड्रेस ही जहाँ पे आप रहते हो सारा एड्रेस सेम है, तो वो आपको यहाँ पे जो दोनों फिल कर देने हैं।
फिल करने के बाद आपको नीचे आ जाते हैं, आपको यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ साइड में स्क्रॉल करना है, फिर आपको मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है कि आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। देखिए मैं मैरिड यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको ऑनरशिप डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस की, आपका खुद का रेंट पर है या फिर अदरवाइज, जैसे कि हमारा ये खुद का है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको अपने कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ द हाउस बेस्ड ऑन द रूफ टाइप, छत के आधार पर मकान का प्रकार कैसा है, पक्का है जो कि सीसी स्टोन का, सेमी पक्का, वो आपको यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमारा ये वाला घर बना हुआ है सेमी पक्का। उसके बाद नंबर ऑफ रूम्स इन द ड्वेलिंग यूनिट, जो आप तो आपका पहले से घर बना हुआ है उसमें आपके जो कितने रूम है किचन को छोड़कर। उसके बाद ये सेलेक्ट डालने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे आपको आधार नंबर जो दिख जाता है, आधार नंबर यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद आपको अदर टाइप में कोई भी एक पैन कार्ड, वोटर आईडी, एक कोई जो है यहाँ पे आईडी कार्ड लगाना होगा, अन्य यदि है तो लगा सकते हो, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है। नेम ऑफ द हेड फैमिली के आधार के अनुसार यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, फैमिली मेंबर की आपको यहाँ पे कुछ डिटेल देने होंगे, जिसमें कि यहाँ पे फैमिली मेंबर का सबसे पहले आपको नाम डालना होगा, जो नाम डालोगे क्या है, वाइफ है, हस्बैंड है, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। आपको अपने हिसाब से जो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जेंडर जो सेलेक्ट करना होगा, किस जेंडर से हैं जिसने आपका जो ये डिटेल्स फिल किया है। उसके बाद उनकी आयु, एज डाल, यहाँ पर आपको उनकी एज फिल करनी है। एज फिल करने के बाद आपको जो है यहाँ पर उनका आधार कार्ड नंबर डाल देना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको यदि कोई और आईडी है उनकी तो दे सकते हो, अदरवाइज ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। जॉइंट होल्डर, फिर आपको यहाँ ऐड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जितने आपके फैमिली मेंबर है उनको ऐड करने के बाद आपको सारे ऐड हो जाएंगे इसी प्रकार से। उसके बाद आपको यहाँ पे जो अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना, हिंदू से हो आप, किससे बिलोंग जो करते हो। उसके सेलेक्ट करने के बाद आपको जो अपनी कास्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, कास्ट एससी, ओबीसी, एसटी, जनरल, आप किससे बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पे डाल देनी है सबसे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर जो फिर से फिल कर देना है। वो फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आईएफएससी कोड जो फिल करना होगा, जो कि आपके पासबुक पे मेंशन होगा, जिसमें कि पैसा क्रेडिट करा जाएगा इसी मेंबर का, इसी का आपको यहाँ पे जिसका आप फॉर्म भर रहे हो उसी की बैंक डिटेल चाहिए। उसके बाद गेट बैंक डिटेल्स पे क्लिक करोगे, ब्रांच का नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपको जहाँ पे जो एड्रेस दिया है कि आप इस शहर में जो कितने दिन से रह रहे हो, एक साल से, दो तीन साल से, तीन से पाँच साल से, या फिर पाँच साल से भी अधिक से रह रहे हो, तो वो आपको यहाँ पे डाल देने। फिर आपको यहाँ पे कि आपका जो कितने एरिया में आपका जो घर है, यानी कितनी जो आपके पास ज़मीन है, वो आपको यहाँ पे स्क्वायर मीटर में डाल देनी है। उसके बाद बेलसर, क्या पर्सन जो है कोई विकलांग है, यदि है तो यस पे क्लिक करना है, यदि नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। फिर आपको उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे जो है फिल करनी होंगी, नहीं तो आपको अदरवाइज यहाँ पे नो ही कोई सेलेक्ट रहने देना है। यदि आपके पास परिवार में कहीं अपना घर है तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यदि है तो यस करना है, यदि नहीं तो नो पे आपको यहाँ जो है सेलेक्ट रहने देना। उसके बाद आप नीचे आओगे, फिर से आपको यहाँ पे जो है स्क्रॉल करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। उसके बाद आपको जो अपनी ऑक्यूपेशन डिटेल देनी होगी, आप सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरी, रेगुलर बेस, लेबर, अदर पे आपको, जैसे कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेलेक्ट और ऑक्यूपेशन पे आपको जो है यहाँ पर आपका ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, किस प्रकार के आप जैसे बिजनेस करते हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, प्लम्बर हो, एवर पेंटर, वेल्डर, सिक्योरिटी गार्ड, कुली एंड अदर हेड लोड, वो आपको यहाँ से अदर पे क्लिक करके वो आप यहाँ से जो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे जो एवरेज मंथली इनकम की आपकी घरेलू जो है वार्षिक आय, मंथली इनकम कितनी है वो आपको फिल कर देनी है। डज द क्या मैम फैमिली मेंबर के पास बीपीएल कार्ड है, यदि है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो। फिर आपको यहाँ पे हाउसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, किस लिए जो घर चाहिए, न्यू हाउस चाहिए या फिर घर, नया घर चाहिए या फिर नए एनहांसमेंट कराना है, जैसे कि हमको इसमें जो है एनहांसमेंट कराना है। उसके बाद ये सेलेक्ट करने के मंथ आपको क्या क्या उसमें चाहिए, वन रूम, किचन, वो आपको यहाँ से जो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि वन रूम, हमने वन रूम, किचन और टॉयलेट ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ ये डिस्क्लेमर दे देना है। डिस्क्लेमर देने के बाद आपको जो सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पे फिल कर देना। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको सुरक्षित पे यहाँ नीचे ही क्लिक कर देना। फिर आपका फॉर्म जो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद आपको एक नंबर मिल जाएगा, फिर आप जो इसका स्टेटस यहीं से चेक कर सकते हो, जिसमें मैं आपको
फिर से ही आपको यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आने के बाद सर्च बेनिफिशियरी पे आप क्लिक करोगे तो सर्च बाय नेम पर आपको यहाँ जो क्लिक कर देना है, फिर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और शो पर डिटेल पे क्लिक करना है। एक महीने के अंदर अंदर आपको डिटेल्स अपनी शो होने लग जाएंगी, फिर आप जो अपना जो बैंक से कॉन्टैक्ट करके और या फिर आपका सर्वे किया जाएगा तो आपको जो है लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।